सुबह उड़ गई थी मैं 5 बजे से उठी हूँ जब से आप आए हो। उठ तो गई थी, फिर क्या कर दिया तुमने पहाड़ छोड़? सूखा है, सुबह मिलते हैं, पहले नहीं सुबह मिलो। पहले से तो लोग घर में आके इतनी खाद ले जाते थे ना, हमारे पूछो मत। तो फिर कैसे चलेगी ये? पानी भी भरना है, इसे हटा दो यार, पानी पीने का बोतल सब खाली है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे आज के न्यू ब्लॉग पर, और आप सबको हमारा नमस्कार, प्रणाम, पहला। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, और हम भी फिलहाल बढ़िया है। और हमारी सुबह आ चुकी है जल्दी ही, क्योंकि अब ये बहुत काम था, कपड़े वपड़े भी धुलाने थे, तो अभी 7 बज रहा है। इतना बार कपड़े धुल चुके हैं, इतने कपड़े भी बाकी इसमें धुल रहे हैं, बेडशीट वगैरह, तो बस भी इतना ही, पहले काम किया हुआ, पानी भर दिया, बस सो गया, अब चाय वगैरह पीते हैं, उसके बाद थोड़ा आगे के काम भी करते हैं। पप्पू भी उठे हुए, शायद अभी तक वो भी सोए थे, सो नहीं रहे, 7 बजे आ रही हुई चाय लेकर आ गई। तो चलो जब तक कपड़े यहाँ धुलते मैं भी चाय पानी कर लेती हूँ अपना, उसके बाद काम करते हैं। टाइम हो रहा है 2 बजे और इसका नहाना धोना अब हो रहा है। उससे पहले की भी सच्चाई बोल दिया करो। क्या है पहले की सच्चाई? सुबह उड़ गई थी मैं 5 बजे से उठी हूँ जब से आप आए हो। उठ तो गई थी, फिर क्या कर दिया तुमने पहाड़ छोड़ दिया? पहाड़ छोड़ के मैं झाड़ू पोछा किया, उसके बाद बर्तन कपड़े धोए, कपड़े भी 2 शिफ्ट जैसी करी, एक बार पूरा एक लॉट धोया, फिर उसके बाद दूसरा लॉट धोया, अभी फिर एक लॉट सुखा के निकाला, फिर उससे ज्यादा फिर दिन दिन काट। तुम्हारा लॉट ऐसा लग रहा है जैसे क्लॉट बोल रहे हो। और यह हमारा लंच भी रेडी है। लंच में आज भिंडी की सब्जी, दाल और दलिया और रोटी, रोटी तो ही आ गया जल्दी। चलो करते हैं खाने पीने की तैयारी भी अपने। अभी एक कपड़े मेरे को याद दिलाना है, फिर ना भूल जाऊं उठाना। ऐसे चला दे यार आप। क्यों, ठीक तो हो रहा मौसम? मुझे पता ही, वो चरचरी लगती है। चरचरी? चरचरी क्या होता है? पीठ में वो अजीब ही चुभता है। बाबू 4:20 हो गया, पता है आप सोए पड़े हो, ये आदमी मुझसे कह रहे थे, मैं तो बस कमर सीधी करो कह रहे। वाह, कमर सीधा कर में दुख खराट मार मार भी सीधे ही हो, आप वापिस जाऊ मन नहीं मानो, फिर टाइम भी टाइम सीधे तो फिर ऑफिस वाले से बोलो मेरी तबीयत खराब हो रही है, तुमको क्या पता है ना, पंखा चला लो गर्म लग रहा। तो बब्बू भी रेडी हो चुके हैं, वो रहे मेरे कपड़ों के ढेर जो मेरा वेट कर रहे, एक लॉट मैंने आगे सुखाने डाला, फिर दूसरे बार किया था जो उनको अंदर रख लिया, अब इन्हें फोल्ड भी करना है। सिर्फ धोना ही बाग काम नहीं होता है, इनको रखना भी बड़ा भारी होता है। और अब मैं खाऊंगी आइसक्रीम, क्योंकि मुझे लगा है जुकाम एक नाक से, यार नाक की टर्न खत्म हो गई, नाक की टर्न स्टार्ट हो गई है। तुम मान गए, तुम्हारा हाथ बहुत चल रहे आज, बेचारे जो गिरे ये भी धूल रखा पहले, सूखा है सुबह मिलते नीचे, मत ज्यादा मत करो, ऊपर को करो थोड़ा, मेरे तो गिर जाएगा नीचे। बाय बाय, मॉर्निंग में मिलते हैं आपसे। नीचे मार्केट जाने का भी था सोचा कि जाऊंगी, कुछ काम वाम होगा, होगा क्या है, बट मन नहीं कर रहा जाने को, गर्मी को देखते कि कौन चेंज करे कौन जाए, ऐसा होता। ये इनका ही छूट गया, कहाँ निकल गई थी जल्दी है। बब्बू, नितिन, ये गिर गया आपका, वो हेडफोन का। मैं कह रही क्या गिरा है यहाँ पे, आज सुबह ने ये भी धो दिया, धोने का साफ हो जाएगा थोड़ा, किचन के लिए बिछाने का काम आएगा। वैसे भाग के आना पड़ा, पेट सब जाता है। चलो यार, काम तो मेरा बहुत है, ब्लॉग पेंट करना, और नींद भी आ रही थी मुझे बहुत सी, ये सो रहे थे और जो काम भी लगा हुआ है। चलिए भाई अब चलते हैं अपनी गुफा में, आइसक्रीम निकाल पहले करते अपना काम। 5:30 हो गया है, क्योंकि मैं अभी इस कैमरे से उसमें डेटा ट्रांसफर कर रही थी, तो मुझे अंदाज नहीं आता कि कैसे करना, तो फर्स्ट टाइम ट्राई करी थी, थोड़ा टाइम लग गया था इसके चलते मुझे,
और मैंने कैमरा ऑन करके रख रखा था वहाँ। मैं कह रही यार अभी की वीडियो ऐसी क्यों लग रही मुझे। तो चलो अब मैं भी व्लॉग वगैरह ऐड करती हूँ, 5:30 हो गया है। सोचू बाहर जो गमले लगाए थे उसमें पानी भी डालना है, मैंने अभी और बीज लगा देती हूँ। देन उसके बाद करते हैं, बहुत सारा काम रखा हुआ है अभी मेरा, ये कपड़े रखे हुए हैं जो मेरा इंतजार कर रहे हैं, और फिर चाय भी बनानी है। मैंने चाय पियेंगे हम, फिर चाय पियेंगे हम, तो चाय पियेंगे अकेले अकेले ही होता है, कुछ नहीं होता है। बाप रे गर्मी गर्मी, मेरी चाय आज बाप दिल्ली बना के लागी हूँ चाय के साथ में चिप्स। कब से इनसे खाओ खाओ कहती हूँ, ना रक्षित खा रहे थे ना नितिन खा रहे थे, तो मेरे मन कर रहा था चाय के साथ, मैंने कहा बना लेते हैं। तो ये रहा मेरे चिप्स और चाय साथ में, मैंने बहुत कम फ्राई किए, हाँ ज़्यादा नहीं किए, बड़े बड़े वाले इसलिए ज़्यादा लग रहे मुझे। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं ये थोड़ा घर से खाद आ जाएगी, तो मैं इसको मिक्स करके मिट्टी वगैरह खाद को थोड़ा सा एक गमले में फूल और वो लगा दूँगी तुलसी का पौधा, बट टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो अभी मेरे घर से फिलहाल, लास्ट टाइम पीके पास गए थे ना, तो पीके घर से ले आई थी मिट्टी खाद, तो अभी मैं इसमें इसको मिक्स कर देती हूँ इसके साथ में। कैसी हालत हो रही है मिट्टी की, बाहर से लास्ट टाइम जितने गमले मैंने रखे हुए थे उस टाइम पे सारे फूल बड़े अच्छे खासे हो चुके थे, बट कबूतरों ने उनको कहीं का नहीं रखा। तो चलो चम्मच ना टूट जाए, चम्मच टेढ़ी कर दी, गाली खाने वाला काम हो रहा मेरा। एक मिट्टी ने तो इतना टाइम लगा दिया निकलने में, अब इसका दिखते हैं ये तो निकल जाएगी शायद, ये मिट्टी सॉफ्ट है, काली मिट्टी है ना ये, वो चिकनी मिट्टी थी इसलिए वो पूरी पत्थर बन गई थी, उनको मिक्स कर देते हैं एक में। तो मैंने अभी ये दोनों गमले निकाल के रख दिए साइड में और मिट्टी इसमें भर गई है, और इसमें थोड़ा सा आप खाद मिक्स करते हैं। यही खाद अभी जितनी ये आई है, अगर मैं इसको ऑनलाइन मंगाती ना तो ये 500 से कम की नहीं आती, इतना तो है। और ये खाद भी इतनी अच्छी है, मैं अभी दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखो ये घर से आई हुई है खाद, हमारी घर की मम्मी ने भेजी है। तो पूरा अब मैं इसको इसमें मिक्स कर लेती हूँ, एटलीस्ट दो गमलों के लायक भी अगर ये हो जाएगा बहुत है। वो पूरा कर दिया, कितनी बढ़िया हो रही है देखो, काली बिल्कुल, और बिल्कुल भी मतलब गोबर की जो गांठ टाइप की होती है वैसी कुछ नहीं हो रही किसमें। पहले से तो लोग घर में आके इतनी खाद ले जाते थे ना, हमारे पूछो मत, कट्टे कट्टे लेके जाने वाले हुए लोग, क्योंकि मम्मी कभी बेचना बाचना मम्मी ने कभी किया नहीं, और जो भी आता मांगता तो मम्मी दे देती। और आज की डेट में यही खाद ऑनलाइन इतनी महंगी निकलती है, ये देखो इतनी बढ़िया खाद है ये, है ना बहुत अच्छी खाद है। मुझे तो लग रहा है एक मन करता है मैं पूरा ही डालूं, थोड़ा सा बटे डालूं अगर हो जाएगा, मुझे लग रहा है ये पूरा ही लगेगा इसमें। तो ये मेरी खाद हो चुकी है मिट्टी के साथ बिल्कुल बढ़िया से मिक्स, अब तो इसमें पता भी चल रहा है देखो। तो चलो पहले इसी को बन लेते हैं, देखे बैठेगी भी मिट्टी इसमें, बैठेगी तो फिर भर दी जाएगी, फिलहाल मैं ऐसे ही भर लेती इसको। एक हो गया डन, मुझे लग रहा मिट्टी बचेगी मेरी। ये हो चुका है डन, अभी जो मिट्टी बची इसको इसमें रख देती हूँ फिलहाल पन्नी में ही। तो मैंने लास्ट टाइम जो ऑनलाइन मंगाए थे वाले सारे बीज इसमें हैं, अब इसमें लगाऊं कौन सा फूल, ये सब मैंने, और मेरे को आधे से फूलों का तो पता भी नहीं है। तो कुछ भी है मैरीगोल्ड ही है, तो एक काम करती हूँ मैरीगोल्ड इसमें लगा देती हूँ, तो मैं इसमें लगा रही हूँ मैरीगोल्ड, बाकी होना नहीं होना इस पर डिपेंड करता है। मैं ऐसे डाल देती हूँ एक के साथ, इसको डाल देती थोड़ा थोड़ा ऊपर से। अब मेरा बच्चों की तरह हरकतें रहेगी डेली डेली इसमें देखते रहने की, बट ये आदत छुड़ानी पड़ेगी। वाओ नेल्स कितने सुंदर हो गए मेरे काले पट्ट। तो फाइनली मेरा खाद और मिट्टी मिक्स करने का जो प्रोसेस था गमले में लगाने का वो हो चुका है डन। आज इसमें मैंने फूल के बीज लगा दिया, और इसमें लगाएंगे कल या परसों में तुलसी का पौधा, ठीक है उसका भी बीज ही पड़ा है मेरे पास, अगर वो लग जाएगा तो बहुत बढ़िया है।
तो जी चलो अब बाकी के काम करने, व्लॉग एडिट कौन करेगा, 8 बजने वाला है, 7-7:30 सोच रही मैं तो, भगले वो ना। चलो 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 चलो। हेलो, सो टाइम हो चुका है, रात के 10 बज चुके हैं, डिनर विनर मेरा हो चुका है डन, और अभी इस वक्त मैं यहाँ पे व्लॉग एडिट कर रही हूँ। और काम तो कपड़े वगैरह मैंने रखने तो अभी तो मैंने रखे नहीं है फिलहाल तो, और डेली में टॉपिक नहीं है कुछ भी गर्मी के अलावा, तो इतनी नींद और गर्मी उसके अलावा कुछ नहीं है। दिन भर खाओ पियो सो के चलते व्लॉग भी नहीं बन पा रहे अच्छे से। तो चलिए आज के व्लॉग को अब करते हैं यहीं पे समाप्त, तो मिलते हैं आपसे आने वाले करके नेक्स्ट व्लॉग पे। सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड जय माता दी।